दोस्तों यदि आप बिहार बोर्ड के परीक्षार्थी हैं तो इस वीडियो को देखकर आप हिंदी सब्जेक्ट से 50 ऑब्जेक्टिव में से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव को आप क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम आपको चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव दे रहे हैं जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। अगर इस चैप्टर से आपका क्वेश्चन आ गया तो आपका मिस नहीं करेगा, यकीन मानिए ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए इस 10 मिनट के वीडियो में, लगभग हम आपको 40 ऑब्जेक्टिव अभी 10 मिनट में तुरंत करवा देंगे। चलिए, आपका पहला चैप्टर है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। इसमें आपका पहला क्वेश्चन है श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा के लेखक कौन है, कमेंट भी आप करते चलिएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। आगे है, लेखक की दृष्टिकोण में विडम्बना की बात क्या है, क्या है विडम्बना की बात। इसका सही जवाब हो जाएगा जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। आगे है, लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए। आदर्श समाज कैसा होना चाहिए जिसमें स्वतंत्रता हो, समता हो, भ्रातृत्व का भाव हो, वैसी समाज आदर्श समाज होती है, ये कहना है लेखक का। आगे है, लेखक बेरोजगारी प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं। लेखक जो है बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं। इसका सही जवाब लिया है जाति प्रथा को, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जाति प्रथा को माने हैं। आगे है, आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है। इसका जो सही जवाब लिया है श्रम विभाजन को माना जाता है। आगे है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का नाम क्या था। दोस्तों, इसके पिता का नाम रामजी सखपाल थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का नाम रामजी सखपाल थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के माता का नाम क्या था। इसका सही जवाब हो जाएगा बीमा जो है इनके बीमा बाई इनके माता का नाम था, ठीक ना। तो याद रखिए इन बातों को। डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की, पीएचडी की उपाधि कब धारण की, 1916 ईस्वी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि धारण की। द कास्टस इन इंडिया वेयर मैकेनिज्म किनकी रचना है। याद रखिए दोस्तों इस पॉइंट को, भीमराव अंबेडकर की रचना है। आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा डैश है, आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा डैश है, तो मतलब हानिकारक है। आर्थिक पहलू जितना है उससे ज़्यादा हानिकारक जाति प्रथा है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का कहना है। आगे है, डैश पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण करती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जाति प्रथा जो है पेशे का दोषपूर्ण पूर्ण निर्धारण कर देती है, पूर्व ही निर्धारण कर देती है। इसका सही जवाब हो जाएगा जाति प्रथा। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारों का एक डैश कारण बनती है या बनी है। इसका सही जवाब हो जाएगा प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण बनी है। ध्यान रखिए इन पॉइंटों को। मूक नायक क्या है, मूक नायक क्या है, इसका सही जवाब हो जाएगा पत्रिका है, क्या है पत्रिका है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई। दोस्तों, इनका मृत्यु जो है दिल्ली में 1956 ईस्वी में हुआ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मृत्यु 1956 ईस्वी में दिल्ली में हुआ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा है। दोस्तों, भाईचारे का वास्तविक रूप इनके नज़र में दूध और पानी के मिश्रण की तरह है, मतलब जो अलग नहीं किया जा सकता है। आगे है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ। तो दोस्तों, इनका जन्म जो है 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ। इस चैप्टर से अगर आपका क्वेश्चन आ जाए तो एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करेगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ। दोस्तों, इनका जन्म जो है मध्य प्रदेश के महू में हुआ, मध्य प्रदेश के महू में हुआ। आगे है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया। बहुत बार दोस्तों पूछा जा चुका है किस पत्रिका का संपादन किया, तो इसका सही जवाब हो जाएगा
बहिष्कृत पत्रिका का संपादन किया, बहिष्कृत भारत। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे है भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम किन्हें याद करते हैं या जानते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का वांग्मय हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित हो चुकी है? दोस्तों इनका जो है 21 खंडों में प्रकाशित हो चुकी है। आगे दोस्तों इनका आंसर है नीचे, और 20 के दांत से देखिए किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसमें भी हम आपको 20 ऑब्जेक्टिव 5 मिनट में देंगे, तो ज़रूर हमारे साथ बने रहिए। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए कैसा लगा। चलिए इसमें आपका पहला क्वेश्चन है, 20 के दांत शीर्षक के कहानीकार कौन है? काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सही जवाब हो जाएगा नलिन विलोचन शर्मा। गिरधारी लाल कौन है? दोस्तों गिरधारी लाल कौन है, इसका सही जवाब हो जाएगा मदन के पिता हैं। कौन है? मदन के पिता हैं। नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ? इस चैप्टर से अगर क्वेश्चन आ जाता है तो आपका एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करेगा। 18 फरवरी 1916 ईस्वी को जन्म हुआ। नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था, ऐसा भी पूछा जा सकता है। सही जवाब हो जाएगा पटना के बदरघाट में हुआ। आगे है नलिन विलोचन शर्मा के पिताजी का क्या नाम था? तो इसका सही जवाब दोस्तों हो जाएगा पंडित रामावतार शर्मा। पंडित रामावतार शर्मा। नलिन विलोचन शर्मा जी के माताजी का नाम क्या था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी रत्नावती शर्मा। दृष्टिकोण किनकी रचना है? दृष्टिकोण किनकी रचना है? सही जवाब हो जाएगा नलिन विलोचन शर्मा। आगे है दोस्तों लड़कियां क्या है? लड़कियां क्या है? कुटपुतलियां है। किसे इस बात पर गर्व है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा माता पिता को इस बात पर गर्व है। आगे है दोस्तों मोटर कार को किससे खतरा था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा खोखा से खतरा था। आगे है सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई? सही जवाब हो जाएगा गिरधारी लाल को। कमेंट भी दोस्तों आप सभी करते चलिए। कौवा की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया? तो सही जवाब हो जाएगा हंस। हंस भी चाहता था कौवा के बीच में जमात में शामिल हो। मदन अक्सर किसके हाथों से पीटता था? तो सही जवाब हो जाएगा पिता के हाथों से पीटता था। नलिन विलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई, ये भी पूछा जा सकता है। तो सितंबर 12 सितंबर 1961 को सही जवाब हो जाएगा। आगे है खोखा किसको कहते हैं? खोखा किसे कहा गया है? दोस्तों कासू को जो है खोखा कहा गया है। किसको कहा गया है? कासू को। सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे? दोस्तों सेन साहब जो थे वो अपने पुत्र को बिजनेसमैन या इंजीनियर बनाना चाहते थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए। मदन की उम्र कितनी थी, लगभग क्या होगी? तो दोस्तों मदन की उम्र जो है 5 से 6 वर्ष या 6 साल थी। आगे है कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था? कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था? तो लट्टू के खेल में डी सही जवाब हो जाएगा। मदन ने कासू के कितने दांत तोड़े? तो दोस्तों मदन ने कासू के 2 दांत तोड़े, सी सही जवाब हो जाएगा। गिरधारी लाल किसकी फैक्ट्री में किरानी था? तो दोस्तों गिरधारी लाल जो थे सेन साहब की फैक्ट्री में किरानी पद पर था। आगे है लास्ट क्वेश्चन, सेन साहब किसके व्यंग से ऐंठकर रह गए थे? दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा पत्रकार महोदय के व्यंग से सेन साहब व्यंग से जो है ऐंठकर रह गए। दोस्तों इस पीडीएफ को टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, और एक बार ज़रूर रीड कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द ला रहे हैं, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, ज़रूर देख लीजिए। अगर आप हिंदी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपसे कोई भी क्वेश्चन इस चैप्टर से अगर आ जाए तो मिस नहीं करेगा। चलिए वीडियो को अंत करते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।